तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरा एक सब्सक्राइबर कमेंट किया है, भाई 6 स्पीड गियर लगा के बताइए कैसे लगता है और कैसे कैसे गाड़ी चलाया जाता है। अरे यार, ये तो एक हंसी भी आ रहा भाई। ठीक है भाई, आपके लिए एक वीडियो मैं बना दे रहा हूँ, तो आप भी खुश रहना और मेरा सब्सक्राइबर खुश रहना। आप लोगों के लिए मेरा दुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्लच पैडिंग, इसको पुश करना है और हमेशा देखना है पहले हवा कितना है। ठीक है, ये यार क्लच गाड़ी है, ये 8 पॉइंट में हवा रहना, 6 का ऊपर में रहना, तभी गियर लेगा। ठीक है, दोनों मीटर। तो मैं ऐसे बिना स्टार्ट करके ही बता रहा हूँ आप लोगों को। ये यार मीटर है, ये लिखा भी है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 से ऊपर रहना है, तभी कुछ होगा। और देखिए, क्लच में पेश करके रखा हूँ, क्लच पेश करके ये देखिए, ये आप गियर फंक्शन देख सकते हैं, तो मैं लगा रहा हूँ, देख सकते हैं। ठीक है, इधर ठेल के ये बैक गियर लग गया। ठीक है, पूरा एकदम बाया तरफ ठेल के बैक गियर लग गया। फिर आप पीछे किए, आप देखिए, ये पूरा उधर मत ठेलिए, हल्का सा ठेल के ये 1 नंबर लग गया। ये न्यूट्रल आया, ये 2 नंबर लग गया, ये आया, फिर यहाँ पे 3 नंबर लग गया, फिर यहाँ आया, ये 4 नंबर लग गया। ठीक है, ये फिर न्यूट्रल, ये 5। ठीक है, फिर न्यूट्रल, फिर ये 6। ठीक है, फिर न्यूट्रल। आपको फिर अगर रिवर्स गियर लगाना है तो यहाँ आपको रिवर्स गियर, ये बंद गाड़ी में नहीं लेगा, एक बार ले लिया था, तो रिवर्स गियर पूरा उधर ठेल के आगे। ठीक है, और आपको अगर गाड़ी बढ़ाना है, ये 1 नंबर जैसे आप लगाए हैं, ठीक है, लगाने के बाद एक क्लच आप आस्ते आस्ते छोड़िए, हल्का हल्का एक्सेलेटर ऐसे हल्का हल्का देते रहिए, ऐसे हल्का देते रहिए, हल्का छोड़ते रहिए, हल्का देते रहिए। ठीक है, तो गाड़ी आपका आगे जाएगा। अगर आप फिर दूसरा गियर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको क्लच ऐसे दाबना होगा, दाब के फिर आप जैसे 1 नंबर में दे के रखे थे, फिर क्लच दाब के न्यूट्रल किए, 2 नंबर दिए, फिर क्लच को जो दाब के रखे थे उसको ऐसे छोड़ना है। ठीक है, पूरा आस्ते आस्ते छोड़ना, एक बाइक पूरा छोड़ने से गाड़ी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, और अपना दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो।